हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर सो गाइस आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे सिलेबस में वेरियस सेक्शन में डिवाइडेड है लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेस पावर पॉइंट तो ये सभी हम इस सीरीज में वन बाय वन हम लोग आ, हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है सो बिफोर स्टार्टिंग अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑल्सो आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर वेरियस वीडियोस के अपडेट्स एंड जो पीडीएफ uh, एंड भी कंटेंट रहता है आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग एंड ऑल्सो आप अपने टीचर्स के साथ अपने मेंटोज के साथ वन ऑन वन डिस्कशन वहां पर कर सकते हो कोई भी आपको डाउट हो तो तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज आज के सेशन में जैसे मैंने बताया हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में उससे पहले एक हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्चुअल में है क्या सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डेवलप किया गया है हमने बहुत सारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पढ़े हमने पिछले वीडियोस में जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा यूटिलिटीज पढ़े यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हम लोगों ने पढ़े तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि, कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, है तो ये सॉफ्टवेयर ही ना तो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्चुअल में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूजर को हेल्प करने के लिए यूज हुआ है स्पेसिफिक पर्पस क्या है टेक्स्ट एडिटिंग मैनिपुलेशन इस तरह के डेटा स्टोरेज ये है डेटा स्टोरेज भी है इस तरह के पर्पस के लिए डिफरेंट uh, जो है माइक्रोसॉफ्ट के आई कैन से सॉफ्टवेयर्स हैं इसीलिए हम लोग इसे पैकेज सूट भी कहते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पैकेज सूट क्यों कहा जाता है सी पैकेज का मतलब क्या होता है कलेक्शन जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं है, है ना तो पैकेज सूट दैट मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कलेक्शन है बहुत सारी तरह के एप्लीकेशंस का बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअली कलेक्शन है उसका इसीलिए हम लोग इसे पैकेज uh, सूट भी कहते हैं इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर uh, आ जाते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस आउटलुक्स ऑल्सो ये सब भी इसी के अंडर आते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है दीज आर द मेजर वन आउटलुक के बारे में भी हमें पूछा नहीं जाता इसीलिए हम इसे भी नहीं पढ़ेंगे ठीक है गाइज तो हमें मेजर क्या पढ़ना है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एंड एक्सेस ठीक है माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किसने किया है ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट क्या है एक मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वॉशिंग्टन बेस्ड है ठीक है उसके बाद अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स कौन कौन है तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स आई मस्ट से आपको पता ही होगा बिल गेट्स एंड पॉल एलन ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स ठीक है गाइस अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जो करंट अवेलेबल है तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 ठीक है दिस इज द करंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अ प्रोडक्टिविटी सूट सक्सीडिंग ऑफिस 2016 इससे पहले कौन सा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 लेकिन करंट वर्जन कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 व्हिच इज जनरली अवेलेबल फॉर विंडोज 10 एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है गाइस चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे ठीक है? अब देखो वन बाय वन मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको सभी का दे देती हूँ उसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे अगर मैं वर्ड की बात करूं तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है गाई? इसका हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के लिए थी, आ, मैं आपको ये टॉपिक बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकती थी ठीक है दिस इज प्रैक्टिकल, ये आपको प्रैक्टिकल देखकर ही एक्चुअली आपको देखकर ही समझ में आएगा ये क्या है दैट्स वाई मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ बोर्ड पर समझाती तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता जब तक आप देखोगे नहीं ना कि एक्चुअल में है क्या प्रैक्टिकल आप वर्क नहीं करोगे उस पर तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी तो इसीलिए हम लोग इसे इसी तरीके से पढ़ेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं क्यों क्योंकि जब भी आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो कोई भी टेक्स्ट आप लोग यूज़ करते हो आप लोग कोई भी अपनी आई कैन से स्कूल के असाइनमेंट्स अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स लॉकडाउन पीरियड में सबमिट तो कर रहे हो तो आप लोग वो सब किस में बना रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहे हो ठीक है आप उस पर वेरियस तरह के मैन्यूपुलेशन कर सकते हो बहुत तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप उसे प्रिंट कर सकते हो पहले हम लोग किसका यूज़ करते थे जनरली हम लोग नोट का भी यूज़ करते हैं लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस किया अगर आप नोट का यूज़ करते हो तो आप उस पर सिर्फ टाइपिंग कर सकते हो आप किसी भी तरह का चेंज टेक्स्ट में नहीं कर सकते ना तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हो ना ही आप उसका साइज चेंज कर सकते हो ना ही किसी और तरह की फॉर्मेटिंग आप उस पर कर सकते हो लेकिन उसी चीज को उसी चीज को एक इम्प्रूव फॉर्म में लाने के लिए आई कैन से बहुत सारे उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिखे ही नहीं उसमें वेरियस तरह के मैन्युपुलेशन भी यूज करें ग्राफिक्स भी ऐड हो सकते हैं ठीक है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एम एस वर्ड का एमएस एक्सेल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर यूज होता है रोज एंड कॉलम्स का किसका यूज होता है यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स का और बेसिक पर्पज क्या है इसका फॉर कैलकुलेशन ठीक है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में आप लोग इसमें यूज करते हैं और यहाँ पे इसका बेसिक पर्पज क्या है कैलकुलेशन पावर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर किसका यूज होता है प्रेजेंटेशन का देखो जब भी आप लोग कुछ भी टेक्स्ट మే ఆప్ లోకో ఇబీ డాక్యుమెంట్ బనాతే హో ठीके హమ్ లోగ్ బేసికలీ టెక్స్ట్ కి ఎడిటింగ్ హి కర్ రహే ఉస్కో ఔర్ జదా ఐ కెన్ సే ఇంప్రూవ్డ్ ఫామ్ మే ఉస్కో ఔర్ జదా అచ్చా దికానే కే లియే తాకి ఉస్మే మ్యూజిక్ యాడ్ కర్ సకే ఉస్మే హమ్ లోగ్ యానిమేషన్స్ యాడ్ కర్ సకే గ్రాఫిక్స్ యాడ్ కర్ సకే ఉస్మే బహత్ సారే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యాడ్ కర్ సకే ఉస్కే లియే హమ్ లోగోనే క్యా బనాయా ఉస్కే లియే హమారే లియే క్యా బనాయా గయా మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ జisse హమ్ లోగ్ వేరియస్ ప్రెజెంటేషన్స్ apne ప్రెజెంటేషన్స్ కో हमेशा किस में दिखाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बनाते हैं राइट क्यों क्योंकि आपको वो और एक्सप्रेसिव ज्यादा इंप्रूव्ड ज्यादा आपको उसमें आई कैन से कंटेंट मिलता है अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे एडिट करने के लिए है ना उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अगेन रोज़ एंड कॉलम्स का ही यूज़ होता है लेकिन अगर आप लोगों को डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या डिफरेंस है क्योंकि दोनों में ही शीट्स का यूज़ हो रहा है है ना यहाँ पे मेजर यूज़ किसका होता है शीट्स का जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है जैसे टैबुलर फॉर्म में होती हैं तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि मेजर डिफरेंस क्या होगा एक्सेल और एक्सेस में तो अगर मैं एक्सेस की बात करूँ ना गाइस तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स का दैट मीन्स जो भी आप डेटा कर रहे हो यूज उसको स्टोर करने के लिए आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हम किसका करते हैं एम एस एक्सेस का जहां तक तो कैलकुलेशन की बात है अगर आपको वर्ड कैलकुलेशन दिखता है तो वो एक्सेल है अगर आपको रिकॉर्ड दिखता है तो वो एक्सेस है अब आपका स्कूल का डेटाबेस हो गया किसी कॉलेज का डेटा बेस हो गया जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की जरूरत होती है इन एन अनऑर्गेनाइज मैनर ताकि आप उसे ईजिली किसी भी तरह को किसी भी तरह का डेटा इजिली रिट्रीव कर सके कहीं से भी कभी भी बहुत ही कम टाइम में आप ढूंढ सकें तो इसीलिए हम लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ठीक है बेसिक्स क्लियर हो गया सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एक्चुअली में हमें आज पढ़ना है सो so, आप लोग सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन रीड कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर दैट मींस एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ठीक है, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग बता ही चुकी हूँ नेटिव फाइल फॉर्मेट्स डिनोट इधर अब जो इसके बेसिकली फॉल एक्सटेंशन जो यूज होते हैं जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को किसी भी फाइल को यू सेव करते हो तो उसका एक एक्सटेंशन रहता है वो एक्सटेंशन दिस इज इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब एक फाइल फॉर्मेट सेव किया जाता है किस तरह का एक्सटेंशन यूज किया जाता है तो दिस इज दीज आर दिन बोलते हैं डॉट डॉट डी ओ सी और डॉट डी ओ सी एक्स दिस वन इज इंपॉर्टेंट नोट करना है ठीक है ये जो नोट uh, हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है It is also available for Mac operating system as well as well web-based version through an Office 365 subscription. अब इसके I don't think मुझे एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने की जरूरत है आप सभी को पता ही होंगे बिजनेस वर्कप्लेस के लिए जब भी फाइल्स हम लोग बनाते हैं लेटर लिखना है कोई ऑफिशियल प्रपोजल लिखना है कुछ भी बनाना है हम लोग किसमें बनाएंगे इसी में बनाएंगे एजुकेशन जितने भी असाइनमेंट्स आप लोग बनाते हो किस में बनाते हो एमएस वर्ड में ही बनाते हो पीडीएफ में जब आप लोग अपना डेटा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करते हो तो पहले उसे क्रिएट आप किस में करते हो एक टेक्स्ट एडिटर में ही करते हो वो एडिटर कौन सा है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प टू क्रिएट रिज्यूम नोट्स असाइनमेंट्स मैं बता चुकी हूँ क्रिएट बुक्स आर्टिकल्स न्यूज़ लेटर्स ये सब कुछ बुक्स आर्टिकल्स न्यूज ये सब कुछ कहाँ पर टाइप होता है ये सब कुछ यहीं पर टाइप होता है क्यों क्योंकि एडिटिंग करना लिखने के बाद हमें उसमें टेक्स्ट को चेंज करना है फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है बहुत सारे पिक्चर्स ऐड करने हैं तो वो सब कहाँ पर पॉसिबल है वो नोट पैड पर पॉसिबल नहीं है नोट पैड पर आप सिर्फ टाइप कर सकते हो लेकिन आप उसमें वेरियस एडिटिंग्स वेरियस मैनिकुलेशन कर सकते हो यहाँ पर यूज टू क्रिएट एडिट ट्रांसक्राइब एंड कन्वर्ट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ देखो अब आ जाते हैं एक्चुअल इंटरफेस कैसा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो पहले तो मैं आपको एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन करके बताती हूँ कि इंटरफेस कैसा होता है तो गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जब भी आप एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन करते हो तो ये इंटरफेस है ठीक है वन बाय वन बाय वन हम लोग समझेंगे यहाँ पर हमें जो कुछ भी नज़र आ रहा है लाइक होम इंसर्ट यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर ये सब कुछ जो हमें नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में है क्या इसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले तो आता है टाइटल बार सी मैंने आपको कुछ इस तरह का जब स्क्रीन दिखाया तो टॉप पे कुछ इस तरह का आप लोगों को दिख रहा था उसे हम लोग जो जो टॉप ऑफ द विंडो पे जो रहता है उसे हम कहते हैं टाइटल बार अब टाइटल बार एक्चुअल में क्या बताता है टाइटल का मतलब क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग बना रहे हैं आप उसे कुछ नाम तो दोगे वो नाम आपको कहाँ पर शो होगा वो आपको शो होगा कुछ यहाँ पर जैसे आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो यहाँ पर आपको उसका नेम शो होगा उसके बाद यहाँ पर कुछ तीन तरह के बटन आप लोगों को मिलते हैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज करने के लिए विंडो को मिनिमाइज करने के लिए विंडो विंडो को मैक्सिमम स्क्रीन के साइज पे लाने के लिए उसके बाद विंडो को क्लोज करने के लिए ये तीन बटन आप लोगों को मिलते हैं ठीक है उसके बाद ये मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है ऑफिस तो बटन जब आप इसे क्लिक करते हैं तो वेरियस तरह के मैनिकुलेशन लाइक आपको नया फाइल ओपन करना है फाइल को किसी फाइल किसी जो ऑलरेडी सेव्ड फाइल है उसे ओपन करना है आपको कोई भी प्रिंट करना है फाइल को आपको फाइल को सेव करना है तो ये सारे ऑप्शन आप लोग आपको यहां पर मिलते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑफिस बटन ठीक है उसके बाद आता है जैसे ये सेव का ऑप्शन कुछ शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं जैसे सेव का ऑप्शन अंडू का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है तो ये वाला एक्चुअली जो सेक्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं टाइटल बार उसके बाद आता है मेन्यू बार स्क्रीन एलिमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट मीन द टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज ऑप्शन कॉल्ड मेन्यू बार अब मेन्यू बार से हम लोगों को क्या समझ में आता है वेरियस तरह के मेन्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करेगा जब आप आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो जा जा, आपको मेन्यू मिलता है उसमें क्या होता है बहुत सारे ऑप्शन आपको होते हैं कि आपको खाना क्या है अब यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो यहाँ पर भी उसमें आप किस किस तरह के चेंजेस कर सकते हो आप उसमें क्या क्या कर सकते हो वो आपको कहाँ पर मिलता है वो आपको मिलता है मेन्यू बार पर ठीक है मेन्यू बार में हमारे पास क्या आ जाता है होम इंसर्ट पेज डेवलपर ये सब जो एक्चुअली जो ये वाला system आप लोगों को दिख रहा है, है, ठीक अब यहां पर जैसे होम पर क्लिक किया तो ये सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको मिलते हैं ये आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए मैन्यू प्लेट करने के लिए यूज होते हैं तो आप लोगों को वन बाय वन आगे समझाऊंगी कि, कि किसका यूज कैसे होगा और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसके बाद टूल बार अब ये जो मैंने आपको बताया ना होम के बाद हम लोगों ने क्लिक किया ये जो हम लोगों को विंडो दिखा ये वाला जो हम लोगों को सरफेस दिख रहा है दिस इज एक्चुअली द टूल बार अब जितना भी टूल्स आप लोग एक टेक्स के लिए यूज कर सकते हो उसमें कुछ भी तरह के चेंजेस लाने के लिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा इसे हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं गाइस ठीक है तो अब क्या क्या मिला हम लोगों को टॉप ऑफ द स्क्रीन पे एक तो टाइटल बार उसके बाद हम लोगों को मिला एक मेन्यू बार उसके बाद हम लोगों को मिला स्टैंडर्ड टूल बार अब ये तीनों मिलकर अगर पूछा जाए इन तीनों को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं तो इन तीनों को मिलाकर जो नाम दिया जाता है वो नाम है रिबन क्या नाम दिया जाता है रिबन टाइटल बार मेन्यू बार एंड टूल बार को मिलाकर क्या बोला जाता है में करते हैं, वो सब आपको यहीं पर मिलेंगे समझ में आ गया यहाँ तक उसके बाद बढ़ते हैं आगे उसके बाद आता है रूलर कुछ ये है स्केल की फॉर्म में जैसे मैं आप लोगों को एक्चुअल सॉफ्टवेयर में दिखा ही देती हूँ आप लोगों को ये दिख रहा है ये वाला स्केल के फॉर्मेट में इसे हम लोग बोलते हैं रूर एक रूलर हमारे पास वर्टिकल रूलर होता है एक रूलर हमारे पास हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रूलर 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 होता है है दिस दिस इज इज द द वर्टिकल ठीक अब यूज क्या है चलिए देखते हैं तो ये है रूलर किस लिए यूज किया जाता है जनरली बिलो द मेन टूल बार द रूलर इज यूज टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्विकली देखो अब इसका हम लोग बेसिक यूज किस लिए करते हैं जो भी आप लोग टेक्स्ट लिख रहे हो एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोग जो भी टेक्स्ट यूज कर रहे हो वर्ड में उसको अलाइन करने के लिए ठीक है जिस तरह का अलाइनमेंट आप इस स्केल पर देंगे आ, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो उसी अलाइनमेंट में आपका टेक्स्ट जो है वो आपको शो होगा ठीक है गाइस उसके बाद वर्टिकल एंडलमेंट के लिए भी विंडो यूज करते हो फोन यूज करते हो तो आप अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते हो अपडाउन ठीक है राइट लेफ्ट तो बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कुछ इस तरह से दिस इज द स्क्रॉल बार ठीक है जिसको आप अप डाउन करने के लिए स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए लेफ्ट राइट करने के लिए जो भी आपका पेज है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का ठीक है उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं है स्टेटस बार अब स्टेटस बार कहाँ होता है स्टूडेंट स्टेटस बार होता है बॉटम ऑफ द विंडो पे जो आपका विंडो का बॉटम है उस पे अब स्टेटस से आप लोग क्या समझते हैं स्टेटस से आप लोग समझते हैं स्टेटस बताना है ना तो जो भी काम आप एक वर्ड फाइल में कर रहे हैं उसका स्टेटस कौन बताता है स्टेटस कहाँ पर बताया जाता है स्टेटस बार में स्टेटस बार में आप लोगों को क्या बताया जाता है जैसे कि जितने भी वर्ड्स आप लोगों ने लिख लिए नंबर ऑफ वर्ड्स जो है यहाँ पर वर्ड काउंट आप लोगों को मिलेगा करंटली आप कौन से पेज पर काम कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ठीक है कौन सा लैंग्वेज लाइक इंग्लिश कौन सी आप लोग यूज कर रहे हैं कौन सा फॉर्मेट आप लोग करंटली यूज कर रहे हैं एक्चुअली वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद स्क्रीन को जो भी आपका पेज है आप उसे जूम इन करना चाहते हैं out करना चाहते हैं उसके लिए आपको जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो एक्चुअली ये बार आपका क्या है स्टेटस जो आपके डॉक्यूमेंट पे आप जो भी कर रहे हैं आपको उसका स्टेटस बताता है उसके बाद आता है टेक्स्ट एरिया अब दिस इज द टेक्स्ट एरिया गाइस ठीक है जो पेज आप लोगों को दिख रहा है ना जो पेज आप लोगों को दिख रहा है जहां पर आप लोग टेक्स्ट को राइट कर सकते हो वो एक्चुअल में क्या है ये है आपका टेक्स्ट एरिया ठीक है बहुत सारे आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने यूज किया है ऑलरेडी है ना और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं भी यूज़ किया दैट्स वाई मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन्होंने यूज किया है वेल एंड गुड उनको तो पहले ही पता होगा और जिन्होंने नहीं किया है सो so, उनके लिए आई गेस आपको इन पिक्चर्स के साथ क्लियर हो रहा होगा आपके पास लैपटॉप होगा मोबाइल होगा आप लोग एक बार डाउनलोड कीजिए सॉफ्टवेयर को यूज करके देखिए एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है यू विल गेट टू अंडरस्टैंड किसी भी एडिटिंग टूल की तरह आप लोग कोई भी एडिटिंग टूल आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो जो मैन्यकुलेशन आप उसमें करते हो बस वही है ये भी ठीक है गाइज अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे आप लोगों को बतानी है स्टूडेंट्स वो मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर में ही बताती हूँ सी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये एक्चुअल में क्या है आपका रिबन जहाँ पे आप वेरियस तरह के मैन्यपुलेशन करते हो अब एग्जाम में हम लोगों को क्या पूछा जा सकता है कि आपको वर्ड में फाइल को सेव कैसे करना है न्यू फाइल को ओपन कैसे करना है उसके बाद आप लोग किस तरह से कुछ पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो पेज के मार्जिन कैसे चेंज कर सकते हो है ना ये सारी चीजें हम लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती हैं फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करोगे फॉन्ट कलर कैसे चेंज करोगे तो इसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स का एक पूरा टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को मैं शॉर्टकट्स दे रही हूँ आपको पी जो आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है लेकिन एक बार मैं आपको मैनुअली भी समझा दूँ यहाँ पर कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है सी यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया ये आपका क्या है ये है आपका ऑफिस बटन ठीक है जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हो तो इस तरह के कुछ कमांड्स आप लोगों को दिखते हैं दिस इज द न्यू आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू uh, फाइल uh, जो है वो ओपन हो जाएगा ओपन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक इस तरह का विंडो दिखेगा जहां पर आपको जो भी फाइल ओपन करना है आप ओपन कर सकते हो उसके बाद अगर आप लोग सेव पे क्लिक करते हो तो जिस भी करंट डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं आप उसे सेव कर सकते हैं सेव एज पर क्लिक करते हो तो आपको किस फॉर्मेट में किस तरह के फॉर्मेट में आपको अपनी फाइल को सेव करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना है टेम्पलेट करना है पीडीएफ की फॉर्म में सेव करना है वो आपको ऑप्शंस मिलेंगे प्रिंट प्रिंट करना है तो आप लोग पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से आप लोग इसे क्लोज कर सकते हैं ठीक है सो दीज आर जो आप लोग एक्चुअल में यूज करते हो वेरा शॉर्टकट्स भी पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे उसके बाद आता है होम होम पे आपको कट कॉपी पेस्ट

उसके बाद हम लोग फॉन्ट फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को नहीं बता रही हूँ क्योंकि यूजुअली आप सभी लोग मोबाइल पर लैपटॉप पर ये सब चीज़ें यूज़ करते ही हो तो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग मैं आप लोगों को सिर्फ ब्रीफ में समझा रही हूँ अगर आप लोग चाहते हो कि इसके भी डिटेल्ड नोट्स मैं आप लोगों को दूँ तो एक बार ग्रुप में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दो या कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो मैं वो भी डिटेल में जो भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होता है पिक्चर फॉर्मेटिंग कैसे होगा वर्ड में अगर आपको एक्चुअल का इंटरफेस चाहिए तो मैं आप लोगों को बता दूंगी उसके नोट्स पे दे दूंगी एक बार कमेंट में बता देना इफ रिक्वायर्ड ठीक है उसके बाद जैसे होम पर क्लिक करते हो गाइस तो इस तरह का जो विंडो है आप लोगों को दिखता है यहां से आप लोग करते हो अपना अपनाट फॉर्मेटिंग यहाँ से आप लोग क्या करते हो फॉन्ट फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं वेरियस तरह के फॉम फॉन्ट फॉर्मैट्स पे फॉन्ट फॉर्मेट में आप लोग अपने फॉन्ट को लिखना चाहते हो फॉन्ट स्टाइल एक्चुअली ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट साइज जो भी आप अपना टेक्स्ट लिख रहे हो के साइज़ में लिखना चाहते हो यहाँ से आप उसे इंक्रीज कर सकते हो डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से आप लेटर को बोल्ड कर सकते हो बोल्ड करने का शॉर्टकट भी है दैट इज कंट्रोल बी पूछा जा सकता है यहाँ पर आप लोग इटैलिक फॉर्म में लाइक ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्म होता है ना टेक्स्ट का उस फॉर्मेट में आप लोग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो अंडरलाइन कर सकते हो दिस इज फॉर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को अपर केस करना है लोअर केस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो टेक्स uh, को हाईलाइट करना है आप यहाँ से कर सकते हो टेक्स का कलर चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं अलाइनमेंट ठीक है टेक्स्ट को राइट right अलाइन रखना है सेंटर अलाइन रखना है या फिर पूरे पेपर पर कवर करना है वो आप लोग यहाँ से करते हो ठीक है दीज आर देशिक जो लोग उस पर करते हो उसके बाद आ जाते हैं इंसर्ट पे इंसर्ट से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो जैसे आप अपने फाइल में टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो ठीक है पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो आपके पास पिक्चर इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है कोई भी पिक्चर आप लोग ले सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है चूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या पीसी से उसके उसके बाद किसी किसी भी 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 तरह तरह का आप आप लोग लोग करना चाहते हैं हैं वो कर कर सकते हैं। भी आपके पास अवेलेबल है किसी भी तरह के आप डिजाइनिंग कर रहे हो अच्छे फॉर्मेट में एक बहुत ही आई कैन से अट्रैक्टिव फॉर्मेट में अपनी फाइल को बना चाहते हो वेरियस शेप्स आपके पास अवेलेबल है ठीक so है तो दीज आर वेरियस थिंग्स हेडर एंड फुटर हेडर एंड फुटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फुटर आपको कौन से ऑप्शन पर जाकर आप लोग हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हो कहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो आपको इंसर्ट पर जाना है मेन्यू बार में आपको इंसर्ट पर जाना है इंसर्ट पर जाकर आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा फुटर का ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर ऐड करना होगा तो उस सब का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा इंसर्ट में उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दैट इज पेज पेज लेआउट लेआउट अब से हमें क्या समझ में आता है कि आपका जो भी पेज ये पेज आप लोगों को दिख रहा है इसका आपको लेआउट चेंज करना है इसमें आपको जो भी चेंजेस लाने हैं वो आप यहाँ से ला सकते हो लाइक like, आपको मार्जिन चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो ऑरियंटेशन अगर आपको पोर्ट्रेट मोड पर रखना है जैसे कि अभी आपको करंटली दिखना है लैंडस्केप पर रखना है तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा पेज का साइज एक्चुअल में आप क्या रखने वाले हो वो भी कॉलम्स कितने कॉलम्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो वॉटरमार्क एड करना है पेज को कलर देना है बॉर्डर देना है जितने भी चेंजेस आपको पेज में लाने हैं टेक्स्ट में नहीं पेज में लाने हैं वो आप कहा पर ला सकते हो पेज लेआउट में ठीक है तो दीज आर द मेजर वन होम इन इनसर्टे पेज लेआउट जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता भी होगा ठीक है इसीलिए मैंने ब्रीफ दे दिया उसके बाद अब हम लोग आते हैं तो हम लोग वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आप लोगों को पी में बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं अब जब भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो कभी भी आपको माइक्रोसॉफ्ट में न्यू फाइल ओपन करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना है ऑफिस uh, बटन पर जाना है न्यू पर क्लिक करना है लेकिन अगर उसका शॉर्टकट आपको चाहिए तो शॉर्टकट क्या होगा शॉर्टकट इज कंट्रोल एन दैट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है वहां पर आपके पास ओपन का ऑप्शन भी था तो ओपन करने के लिए आप लोग शॉर्टकट क्या यूज करोगे कंट्रोल ओ सेव करने के लिए वहां पर सेव का ऑप्शन था लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या यूज करोगे कंट्रोल एस सेव या फिर सेव सेवास करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो कंट्रोल एस का यूज करते हो उसके बाद फाइल को प्रिंट करना है ठीक है अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी का यूज करोगे अगर प्रिंट प्रीव्यू जैसे हम लोग प्रिंट पे क्लिक करते हैं ना हमको प्रिंट का प्रीव्यू कि प्रिंट करके आपका डॉक्यूमेंट कैसे शो होगा तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट क्या है कंट्रोल एफ टू स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक अगर आप लोगों को देखना है देखो जब भी आप लोग टाइप करते हो ना एक वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी भी आपको एक ग्रामर मिस्टेक करते हो स्पेलिंग मिस्टेक करते हो वो आपको एरर शो करता है एरर कैसे शो करता है टेक्स के नीचे आप लोगों को ऐसे कुछ लाइन सा दिखेगा कुछ इस तरह का लाइन दो कलर में हो सकते हैं या तो रेड कलर का होगा या तो ग्रीन कलर का होगा अब देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर रहे हो आपको आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन शो होता है अगर पूछा जाए कि रेड कलर का लाइन है तो रेड कलर का लाइन क्या इंडिकेट करेगा रेड कलर का लाइन किस तरह का एरर शो करता है तो रेड लाइन शो करता है वर्ड। जब भी तो आपको रेड लाइन जो है आपके टेक्स्ट के अंडर शो होती है ग्रीन लाइन शो होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए किस लिए शो होती है जब भी आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो उसको भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको वो भी इंडिकेट करता है अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तो आपको वो किस तरह की लाइन आपके टेक्स्ट के नीचे शो करेगा ग्रीन कलर का लाइन ठीक है उसके बाद यस yes, पूछा जाए या नहीं आई एम नॉट श्योर लेकिन एक ब्लू कलर का लाइन भी कई बार शो होता है अब ब्लू कलर का लाइन क्या शो करता है कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक क्या शो करता है कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर और कॉन्टेक्चुअल Mistake. ये तीनों आप नोट कर लो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइन किस तरह का एरर शो करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं करने 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 के 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 लिए और cut करने के लिए लिए और मैंने बोला सेव कॉपी ओपन 90 परसेंट चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाए तो कौन से कमांड्स आप लोग यूज करते हो कट के लिए कट करना है क्रॉस करना है तो कंट्रोल एक्स ठीक है कॉपी करना है सी से स्टार्ट हो रहा है तो कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज नहीं होगा पी किस लिए यूज होगा प्रिंट के लिए पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं कंट्रोल वी जो भी आपने कोई गलती कर दिया उसे वापस से एडिट करना है कंट्रोल जेड रीडू करना है कंट्रोल वाई हाइपर लिंक का यूज करना है कंट्रोल के अब ये हाइपर लिंक क्या है जब भी आप लोग कोई वेब लिंक अपनी फाइल में ऐड करना चाहते हो उसके लिए आप लोग कंट्रोल के का यूज करते हो ठीक है तो ये है मेजर शॉर्टकट्स जो आपको पढ़ने थे उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल पर देखो मैंने आप लोगों को बताया आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो जैसे फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो उसे बोल्ड कर सकते हो इटैलिक कर सकते हो उसे अंडरलाइन कर सकते हो लेफ्ट की तरफ एलाइन कर सकते हो जो आपके होम बटन पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे शॉर्टकट्स अवेलेबल थे लेकिन कीबोर्ड से आपको पूछा जाए कि आप ये सारे फॉर्मेटिंग्स कैसे करते हो तो इसके लिए भी आपके पास शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं कौन कौन से शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जैसे आप लोग को स्टाइल uh, करना है सिलेक्ट स्टाइल टू अप्लाई टू पैराग्राफ्स तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज करोगे फॉन्ट में कोई भी चेंज करना है उसके सिलेक्ट टेक्स्ट करने के लिए चेंज द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड दिलेक्टेज उसको फॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एफ का यूज करोगे फॉन्ट साइज चेंज करना है कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करोगे बोल्ड करना है बोल्ड मतलब बी कंट्रोल बी इटैलिक करना है तो आई आई से क्या होगा कंट्रोल आई अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन यू तो उसके लिए क्या यूज करोगे यू का अगर आपको अलाइन करना है टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करोगे कंट्रोल एल सेंटर के लिए ई e. राइट right के लिए आई ठीक है आर द मेजर वंस जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अदरवाइज आपको पी मिल जाएगा उसके बाद टेबल एंड बॉर्डर टूर बार जब भी आप एक टेबल यूज करते हो अपने फाइल में तो उसके लिए, अब यहाँ पर आपको वेरियस टूल्स डिफाइन किए गए हैं देखो बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज करते हैं जैसे ड्रॉ टेबल इरेजर लाइन वेट लाइन स्टाइल जब भी आप एक टेबल यूज करते हो आप टेबल इंसर्ट करते हो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं तो यहाँ पर इस टेबल में आपको बताया गया कि कौन से ऑप्शन का क्या यूज है तो वो आप लोग रीड कर लीजिएगा उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फंक्शन की शॉर्टकट्स फंक्शन की शॉर्टकट्स मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन की key हमारे कीबोर्ड का टॉप मोस्ट लाइन होता है जहाँ पर F1 से लेके F12 तक F1, F2, F3 एक सीरीज जो है हमें फंक्शन कीज़ की गिवन होती है तो अगर F1 का यूज़ करें तो F1 हमें हेल्प एक हेल्प का विंडो ओपन करता है F2 जो है वो टेक्स्ट को मूव करने में ग्राफिक्स को मूव करने में यूज होता है एफ थ्री इन सर्ट एन ऑटो टेक्स एंट्री एफ फोर लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से हैं ठीक है ठीके? सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज एफ सेव करने के लिए आप लोग कंट्रोल एस का यूज करते हो या तो आप ओपन में जाके सेव करते हो एक और फंक्शन की शॉर्टकट है जो आप फाइल को सेव करने के लिए यूज करते हो दैट इज सेव एफ ट्वेल्व ठीक है उसके बाद आपको एफ वन बहुत बार पूछा जाता है एफ टू बहुत बार पूछा जाता है देन आपके पास आ जा जा जाता है एफ टेन ये भी पूछा जाता है एफ सेवन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक को ऑन करना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो एफ सेवन का ऑफ करना चाहते हो तो वापस इस पर क्लिक करो एफ ट्वेल्व को हम लोग किस लिए यूज करते हैं सेव सेवास के लिए तो दीज आर द मेजर वन जो आपको भूलना नहीं है कभी भी ठीक है उसके बाद जब हम शिफ्ट के साथ वेरियस फंक्शन कीज को प्रेस करते हैं तो वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं जैसे शिफ्ट प्लस एफ वन करेंगे तो हेल्प ओपन होगा शिफ्ट प्लस एफ टू करेंगे टू कॉपी द सिलेक्टेड जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करके रखा है उसे कॉपी करने में हेल्प करेगा शिफ्ट एफ फोर फाइंड एंड गो टू एक्शन जब भी कोई भी टेक्स्ट कोई भी पर्टिकुलर आपने एक बहुत सारा फाइल uh, बनाया है ठीक है बहुत बड़ा फाइल बनाया उसमें आपको एक नेम सर्च करना है लेट्स से द नेम इज तान्या ठीक है आपको मेरा नाम उस पर सर्च करना है तो आपको क्या करोगे आपको किस पे जाना पड़ेगा फाइंड पे फाइंड आप किस से किसको प्रेस करके यूज कर सकते हो शिफ्ट प्लस एफ थ्री को आप इसे प्रेस करोगे फाइंड पे जाओगे नेम टाइप करोगे गो टू करोगे आप लोगों को जहां जहां आपकी फाइल में वो नेम है वो हाईलाइट हो जाएगा तो इस तरह के एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ठीक है शिफ्ट प्लस एफ ट्वेल्व का भी यूज होता है सेव कमांड के लिए तो डिफरेंट ऑप्शन के बेसिस पे आपको सेव का यूज पूछा जा सकता है भूलना नहीं है उसके बाद आप कंट्रोल के साथ जब फंक्शन की को प्रेस करते हो तो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं कंट्रोल एफ टू देता है प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल एफ फोर विंडो को क्लोज करने के लिए रिस्टोर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की विंडो का साइज है वापस उसे पुराने वाले फॉर्मेट में लाने के लिए नेक्स्ट विंडो ओपन करने के लिए एफ सिक्स के साथ यूज करते हो मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो एक डॉक्यूमेंट का विंडो मैक्सिमम साइज पर लाने के लिए जो आपका स्क्रीन का साइज है उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो कंट्रोल एफ टेन ओपन करने के लिए फाइल आप लोग यूज करते हो कंट्रोल एफ ट्वेल्व का ओपन करने के लिए आप लोग कंट्रोल ओ का यूज भी करते हो है ना आप लोग डायरेक्टली आई कैन से ऑफिस बटन पर जाकर भी ओपन कर सकते हो या फिर कंट्रोल एफ को यूज करके भी आप एक फाइल को ओपन कर सकते हो ठीक है गाइस तो एक फंक्शन के लिए आपके पास बहुत सारे आई कैन से शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं ठीक है सो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइस अगर कोई भी डाउट है आप कुछ भी चाहते हो कि मैं रिपीट करूं तो कमेंट में मुझे बता दो येस yes, फॉर्मेटिंग के बेसिस पे मैं आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में दे चुकी हूँ इफ़ यू वांट द कंप्लीट मैंने आप लोगों को वैसे सॉफ्टवेयर एम एस ऑफिस पर ही बता दिया आप लोगों को वर्ड पर बता दिया कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं इफ़ यू वॉन्ट कि आपको मैं नोट्स की फॉर्मेट में दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स पर बता दो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी ठीक है गाइंस तो so, आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना कमेंट में मुझे जरूर बताना सेशन कैसा लगा अच्छा लगा तो भी बताओ बुरा लगा तो भी बताओ अगर सेटिसफैक्ट्री था तो भी बताओ डिससेटिस्फैक्ट्री था तो भी बताओ ठीक है आई इम्प्रूव अकॉर्डिंगली ठीक है भाई तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट सेशन के साथ तब तक के लिए गुड बाय पढ़ते रहिए पढ़ना छोड़ना नहीं है ठीक है गाइस कीप कीप ग्रोइंग गुड बाय